हम लोग ऑन वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बॉटम माउंट डिफ्रिजरेटर के ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं वोल्टास बेको के बॉटम माउंट डिफ्रिजरेटर के ऊपर होने वाला। तो बॉटम माउंट डिफ्रिजरेटर किसे बोलते हैं, क्यों बॉटम माउंट नाम रखा गया, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बॉटम माउंट की अगर हम बात करें तो बॉटम माउंट का मतलब ये होता है जो फ्रीजर कंपार्टमेंट आपका होता है। जनरली आप नॉर्मल फ्रिज के अंदर देखेंगे तो आपका फ्रीजर जो कंपार्टमेंट होता है वो ऊपर होता है और फ्रिज का कंपार्टमेंट जो होता है वो नीचे होता है। मगर बॉटम माउंट में जस्ट अपोजिट होता है, फ्रीजर कंपार्टमेंट नीचे होता है और फ्रिज कंपार्टमेंट ऊपर होता है। नॉर्मल क्या होता है कि फ्रीज कंपार्टमेंट को आदमी ज्यादा काम करता है और फ्रीजर कंपार्टमेंट का कम काम पड़ता है। तो आपको झुक के सामान ना निकालना पड़े, ज्यादा आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, इस ध्यान में रखते हुए वोल्टास बेको ने बॉटम माउंट डिफ्रिजरेटर लॉन्च किया। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बॉटम माउंट का, तो इस बॉटम माउंट के हम डेमो की बात करेंगे। तो डेमो कैसे करते हैं, क्या इसका डिस्प्ले की खासियत है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो बॉटम माउंट डिफ्रिजरेटर है। एक के अंदर आप देखेंगे तो इसका डिस्प्ले बाहर की साइड है और दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो इसके बॉटम जो डिस्प्ले है, कंट्रोल पैनल है, वो अंदर साइड है। इस कंट्रोल पैनल की अगर हम बात करेंगे तो इस कंट्रोल पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कैसे काम करता है, क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन आपको जो दिख रहा है, ये कंपार्टमेंट सेलेक्ट करता है। जैसे कि ये ऊपर का कंपार्टमेंट है और ये नीचे का कंपार्टमेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज का कंपार्टमेंट है, जो ऊपर का कंपार्टमेंट। इसका अगर टेम्परेचर हमें कम ज़्यादा करना होगा तो यहाँ से हमें करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बटन है, यहाँ से टेम्परेचर कम करेंगे। सबसे कम अगर हम कर सकते हैं तो 1 कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा की अगर हाईएस्ट की बात करें तो 8 कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कम करेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे कूलिंग होगी और जितना कम रखेंगे आप उतनी कम कूलिंग होगी। तो ये इसका फ्रिज का कंपार्टमेंट का रूल है। अगर हम फ्रीजर कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ से दूसरा कंपार्टमेंट हम चेंज करेंगे। जैसे ही कंपार्टमेंट चेंज करेंगे यहाँ से हम टेम्परेचर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो सबसे कम इसका -16 है और सबसे हाईएस्ट -24 है। जितना इसमें कंडीशन क्या है, जितना आप कम रखेंगे उतनी कम कूलिंग होगी, जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं -16, जैसे हमने -16 यहाँ पर रखा, यहाँ पर ई लाइट जो जल गई ना, ई वाली आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक मोड। इकोनॉमिक मोड के अंदर होता क्या है फ्रेंड, आपका कंप्रेसर काफ़ी कम रन करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक मोड के अंदर फ्रेंड होता है कि आपका बिजली कंजेशन काफ़ी कम हो जाता है, लोड काफ़ी कम हो जाता है। जो आपकी नॉर्मल कूलिंग होती है वो कूलिंग आपको मिलती रहती है और आपके जो कंप्रेशन है ज़्यादा रन नहीं करना पड़ता है, जिसलिए कि आपकी बिजली कंजेशन काफ़ी कम हो जाती है, पावर सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, पावर सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बिजली कंजेशन काफ़ी कम हो जाता है। तो ये तो इसके टेम्परेचर की बात हो गई। जैसे फ्रीजर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो -16 से लेकर -24 तक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बढ़ा के आपको दिखाते हैं -24, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -24 तक हो जाता है। इसी बटन से आपको प्लस माइनस करना होगा, प्लस ही जाता है, माइनस नहीं जाता। एक बार में आपको दबाते ही रह जाना है जब तक 24 नहीं जाएगा। 24 के बाद आप दोबारा प्रेस करेंगे तो -16 पे आ जाएगा। जैसे हमने 24 हटाया, यहाँ पे इकोनॉमिक लाइट की जो इकोनॉमिक का सिंबल था वो हट चुका है। इसी को -16 पर दोबारा ले जाएंगे, इकोनॉमिक मोड हमारी लाइट जल जाएगी। कोई भी बटन प्रेस करेंगे 17 कर देंगे, इकोनॉमिक मोड खत्म हो जाएगा। इसके अंदर एक हिडन फ्यूचर है, जो कि हिडन फ्यूचर में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे छतरी बनी हुई, यहाँ पे एक सिंबल है, इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो वेकेशन मोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने 3 सेकंड तक होल्ड करके रखा, ये फ्रीज कंपार्टमेंट के लिए होता है। यहाँ पे वेकेशन मोड एक्टिवेट हो गया। वेकेशन मोड में होता क्या फ्रेंड, जनरली अगर हमें वहीं बाहर जाना होता है नॉर्मल फ्रिज में, हम लोग क्या करते हैं, हम फ्रिज को अपने कंपार्टमेंट को बंद करके जाते हैं, जिससे क्या होता है फ्रिज जब हम आते हैं दोबारा चालू करते हैं तो हमारे फ्रिज में काफ़ी सारी स्मेलें आ जाती है, जिससे कि बदबू हो जाती है। दोबारा हम फ्रिज को यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम फ्रिज को वॉश ना कर लें। मगर इस वोल्टास बेको के किसी भी मॉडल में, फॉस फ्री हो गए, बॉटम माउंट हो गया, सारे मॉडल में वेकेशन मोड एक्टिवेट है। इस मोड में क्या होता है, फ्रीजर कंपार्टमेंट आपका रन करता रहता है, -16 डिग्री पे काम करता रहता है, जिससे कि बिजली कनेक्शन ऐसे भी काफ़ी कम हो जाती है और फ्रीजर का कंपार्टमेंट होता है वो काफ़ बंद हो जाता है पूरी तरह से। इतना कंप्रेसर इसके अंदर बना के रखता है, कोई सामान अगर आप रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। मगर हाँ, इसके अंदर स्मेल नहीं आने देता। स्मेल ना आने का बहुत सा कारण है, इसमें 10 डिग्री 5 डिग्री का थोड़ा सा कूलिंग रह जाती है, जिससे कि इसके अंदर स्मेल नहीं आती। ये तो इसका हिडन फ्यूचर, इसको हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, इस वैकेशन मोड को दोबारा या तो आप प्रेस कर सकते हैं 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक दोबारा प्रेस करके रखेंगे तो ये वैकेशन मोड हट जाएगा। दूसरा तरीका ये है, मैं आपको लगा के चेक कराता हूँ। दूसरा तरीका ये है फ्रेंड कि यहाँ पे कंपेयर सेलेक्ट करेंगे, एक बार कोई भी टेम्परेचर आप यहाँ पे दे दीजिए, जैसे भी कोई भी आप टेम्परेचर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वेकेशन मोड हट जाएगा। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जो टेम्परेचर यहाँ पे भी हम आपको दिखा रहे हैं, -8 जा रहा है, -16 से लेकर -24 तक जाता है। इसमें क्या होता है, फ्रीजर कंपार्टमेंट कभी कभी जो कंपार्टमेंट सेलेक्ट का बटन होता है, इसे थोड़ी देर हम दबा के रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, ये फ्रीजर जो है, जो हमारी फ्रीज का टेम्परेचर होता है वो फॉरन हाइट में चेंज हो जाता है। जब फॉरन हाइट में चेंज हो जाता है
है तो हम इसको चेंज करते रह जाते हैं और कोई प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आती कि हमने कौन सा टेम्परेचर रखा हुआ है, क्योंकि वो फॉरेनहाइट में दिखाने लगता है। इस फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में हमें सेट करने के लिए होगा क्या, आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, कंपार्टमेंट वाला जो बटन दिख रहा है, इस कंपार्टमेंट वाले बटन को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे, ये सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमने सेंटीग्रेड पे चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे आप सेंटीग्रेड पे कोई भी टेम्परेचर आप रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो एक टेम्परेचर रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर बीच की कूलिंग चाहिए तो आप 4 डिग्री रख सकते हैं। इसी तरह फीजर कंपार्टमेंट है, -16 है। अगर आपको कम कूलिंग चाहिए तो आप -16 पे रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो -24 पे रख सकते हैं। तो ये फ्रेंड इसके डिस्प्ले की, इसके डेमो की बात हुई, अब इसका आप थोड़ा सा व्यू चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स जाने से पहले एक बात और, वीडियो को एक शेयर जरूर करेगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल।